प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी के दौरे पर होंगे। यहां वो कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये परियोजनाएं विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्र से होंगी संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रहे स्मार्ट हैकाथॉन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से की बातचीत। उन्होंने छात्रों के साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित समाधान पर किया विचार विमर्श। प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को किए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रबी विपणन वर्ष 2019 के लिए गेहूं खरीद का मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल किया निर्धारित। साथ ही बनाए जाएंगे 6000 क्रय केंद्र। बहराइच से संत कबीर नगर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया शिलान्यास। इस लाइन पर कुल खर्च आएगा लगभग 5000 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के अमेठी दौरे पर रहेंगे। वो अमेठी में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। ये परियोजनाएं विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित हैं। पीएम मोदी कोहार में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्लाश्निकोव राइफल की नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे। रूस के साथ हुए करार में साझा उपक्रम में अत्याधुनिक राइफल का निर्माण का फैसला किया गया था। कोरवा आयुध फैक्ट्री में 7 लाख से ज्यादा अत्याधुनिक राइफल का निर्माण होगा। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। रूस की फर्म के साथ साझा उपक्रम में क्लाश्निकोव राइफल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण की 550 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अमेठी में विकास को भी गति मिलेगी। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और ये आशा की जाती है जिस प्रकार से मोदी जी ने बाकी देश के और हिस्सों में परिवर्तन किया है, उस हिसाब से हम भी अपेक्षा करते हैं कि शायद अमेठी का भी वही असर जो इसके नाम में है वो देखने में भी ऐसा लगे कि हाँ अमेठी वैसे ही स्थिति में है जैसे कि पूरे देश को लगता है कि अमेठी होना चाहिए। हम जरूर आशा करते हैं कि पीएम मोदी हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हर बूथ पर हम मजबूत होकर के उभरे हैं। इस दिशा में हम संगठन काम कर रहा है और हम निश्चित रूप से इस बार राहुल गांधी को यहाँ शिकस्त देंगे। विकास योजनाओं के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेठी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के तैयारियों में जुटे हुए हैं। रसोई गैस उपलब्ध करवाई है, आयुष्मान भारत दिया है, इतना महिलाओं के लिए काम किया है कि आज तक किसी ने नहीं किया। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार के मजबूत गढ़ माने जाने वाले रायबरेली का दौरा किया था। दरअसल वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ रायबरेली और अमेठी पर ही जीत हासिल हो पाई थी। भाजपा लोकसभा की इन सीटों पर अपने संगठन की जड़ों को काफी मजबूत कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का अमेठी में आधार और मजबूत करने के मकसद से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेठी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का देश से ही नहीं बल्कि अमेठी से भी सफाया हो जाएगा। स्मृति ईरानी ने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ संक्षिप्त वार्ता की। अमेठी दौरे पर आ रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मैडम, एक बड़ी जनसभा हो रही है और तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी भी शुरुआत होने वाली है अमेठी में। 2014 मई के महीने में प्रधानमंत्री जी अमेठी पधारे थे एक प्रत्याशी के रूप में और अमेठी ने तब आशीर्वाद दिया था कि अब बनेगी मोदी सरकार। उसी आशीर्वाद को फलीभूत होते देखा अमेठी ने 5 सालों में और आज प्रधानमंत्री जी विकास की सौगात लेकर उसी अमेठी में पधार रहे हैं, उसी ग्राउंड में पधार रहे हैं। विधानसभा चुनाव में देखें तो एक जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिली, लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर भी दी, तो अब अमेठी जो एक रायबरेली और अमेठी अंतिम गढ़ के तौर पर बचे हैं कांग्रेस के, तो बीजेपी उस ओर जरूर देख रही है। मेरा ये मानना है कि 2014 में जब हम अमेठी आए थे तब बीजेपी की एक भी विधानसभा की सीट नहीं थी और आज हम प्रधानमंत्री का जब स्वागत कर रहे हैं तब 5 में से 4 विधायक भाजपा के हैं और 5वां विधायक भी कांग्रेस का नहीं है। प्रियंका गांधी की भी एंट्री काफी पहले हो चुकी है, इंचार्ज भी बनाई गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश। श्रीमती वाड्रा तो बहुत सालों से, एक दशक से ज्यादा राजनीति में रही हैं, अब रीपैकेज करके कांग्रेस की इच्छा
है वो जो भी करें, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पूरा परिवार सम्मिलित था और अमेठी में सभाचट हो गया कांग्रेस का। तो मेरा ये मानना है कि अगर विधानसभा तक नहीं जितवा पाए अपने लोकसभा क्षेत्र में तो काहे का जलवा है जिसकी इतनी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनका कहना है कि तमाम विकास परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से होने वाली है, और जहां तक अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार के गढ़ का सवाल है वो तो विधानसभा चुनाव में ही टूट गया था जब कोई सीट कांग्रेस पार्टी यहां से जीत नहीं पाई थी और बीजेपी को बड़ी सफलता विधानसभा चुनाव में मिली थी। कैमरामैन अंकुर के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज अमेठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भाग ले रहे युवा प्रतिभागियों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री से तकनीक आधारित समाधानों पर विचार साझा किए। हैकाथॉन में भाग ले रहे देश के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों से जुड़े छात्रों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 साल के कम समय में 24 अंकों की छलांग लगाकर 97वें स्थान पर पहुंच गया है और जल्द ही शीर्ष 25 में पहुंचना चाहता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में आज हम 57वें स्थान पर है, जबकि 2014 में हम 81 नंबर पे थे। हम यहीं रुकने के मूड में नहीं है, बहुत ही जल्द हमें टॉप 25 में पहुंचना है। इस दौरान प्रधानमंत्री से संवाद करते हुए प्रतिभागी छात्रों ने किसानों की फसल बर्बाद होने से रोकने के लिए तकनीक आधारित समाधानों का उपयोग करते हुए विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए छात्रों को बधाई दी। हमने एक IoT डिवाइस बनाई है जिसमें कि हम कई सारे सेंसर्स का यूज करेंगे, एक फील्ड पे लगाएंगे उन सेंसर्स को, उसकी हेल्प से हम डेटा लेंगे। इन सभी के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारी जो क्रॉप है इसमें किस तरह की डिसीज है और हमें उसके लिए कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए। समय से रहते हमारा किसान सही निर्णय करके इसका उपयोग कर सकता है। आपने बहुत अच्छा धरती का काम किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। दिव्यांगजनों के लिए संकेत भाषा के लिए ऐप विकसित कर रहे छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा किए। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, जो लोग सुन नहीं सकते या कम सुन सकते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए एप्लीकेशन बनाई है जो ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बल्कि उसके अलावा जो अन्य भारतीय भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, उनको भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। इसी तरह प्रतिभागी छात्रों ने देश में कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक आधारित समाधान के विचार साझा किए, जिस पर सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखने की सलाह दी। टैक्स फ्रॉड हमारी कंट्री में बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक का यूज किया है। इसका फायदा ये होगा कि टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ेगी। पहले के जमाने में टैक्स पेयर को चोर बताया जाता था और समस्या वहीं शुरू होती थी। मैंने बदल दिया है, मैंने कहा टैक्स पेयर देश बनाता है। आपके इस इनोवेशन में भी टैक्स पेयर की सुविधा कैसे बढ़े, इस एंगल को भी अगर आप जितना ज्यादा बल देंगे तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन बनेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथन दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां उद्योग जगत, शैक्षिक संस्थान, सरकारी एजेंसियां, पेशेवर और छात्र एक मंच पर एक साथ नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। इस मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान शहीदों में 3 CRPF जवान और 2 जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि रबी खरीद वर्ष 2019-20 में गेहूं का न्यूनतम खरीद मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल होगा। इस वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके लिए 6000 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि रबी विपणन योजना के तहत गेहूं क्रय करने के लिए 8 संस्थाएं अधिकृत की गई हैं। 19-20 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति भारत सरकार द्वारा
घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 प्रति क्विंटल की दर पर रखा गया है। इसमें एक विशेष है कि हमारी सरकार आई थी उस समय 1460 था और अब 1840 है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर 20 रुपए प्रति क्विंटल और इसमें ऐड किया है जो छनाई और ढुलाई वगैरह का रहता है। 19-20 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय का कार्यकारी रखा गया है। 8 क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं क्रय किया जाएगा और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगभग 6000 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूं क्रय के 72 घंटे के बाद पहुंच जाएगा। इस अवसर पर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या में विशाल श्रीराम प्रतिमा की स्थापना एवं अन्य पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा जो श्रीराम प्रतिमा की स्थापना एवं पर्यटक सुविधाओं के बारे में समय समय पर निर्णय लेगा। अयोध्या में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के अंतर्गत पर्यटन आकर्षण की दृष्टि से भगवान श्री राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, पार्किंग, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग एवं श्री राम की भव्य प्रतिमा एवं अन्य मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की योजनाओं के संबंध। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला और डुमरियागंज को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शिलान्यास किया। ये रेल लाइन श्रावस्ती, उतरौला, मेहदावल, भिंगा, बलरामपुर और बांसी से होकर गुजरेगी। इस बड़ी लाइन की कुल लंबाई लगभग 240.26 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश में बहराइच एवं खलीलाबाद के बीच की इस नई रेल लाइन परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,939 करोड़ रूपये है। यह रेल लाइन परियोजना वर्ष 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि 4.5 साल की सरकार में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं। ये नाना जी और अटल जी की तीव्र इच्छा थी कि यहाँ पे रेलवे लाइन आए और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आदेश दिया अधिकारियों को, सभी विभागों को, कि ये जो रेल लाइन है ये लाइन बननी है, हमारे इस पहले टर्म में इसकी स्वीकृति होनी है और आगे चल के हम ही इसका पूरा करके इस देश को समर्पित करेंगे। आजादी के बाद कोंकण रेलवे को छोड़ दीजिए तो 240 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण आज यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। इसी 5 वर्ष के अंदर इस रेल लाइन को स्वीकृत करेंगे। अभी मेरे पूर्व के तमाम सांसद मित्रों ने अपनी बात कही है, ये बताया है क्या क्या एक्सप्रेस वे डिस्ट्रिक्ट इसमें है, आकांक्षी जिले हैं जिनके सामाजिक और आर्थिक विकास में इस नई रेल लाइन का मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश इस समय एक है, विश्व शांति के लिए हर प्रयास हो रहा है। अगर दुश्मन देश हम पर गोली बरसाएंगे तो हम भी उन पर गोला बारूद बरसाएंगे। देश हमेशा से जवानों के साथ रहा है और सीमा पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। जवानों को पूरी तरह से छूट है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दें। अपनी सेना पर भी भरोसा रखिए और इस देश के नेतृत्व पर भी भरोसा रखिए। ना इस देश का नेतृत्व कमजोर है, ना इस देश की सेना कमजोर है। जिस भाषा में जो समझ सकता है उसको उस भाषा में समझाने की सामर्थ्य भारत के अंदर है और उसको उस भाषा में समझाया जा चुका है।
जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत रोजा में केंद्रीय मंत्री कृष्णा रांच ने लोकोशेड का उद्घाटन किया। आधुनिक रेल इंजनों के बनाने के साथ देश का यह पहला मेंटेनेंस शेड निर्माण किया गया है, जहां रेल के लोको पायलट को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 200 करोड़ से अधिक निवेश के साथ 20 एकड़ में बने इस मेंटेनेंस में रिमोट मार्टन के साथ डीजल इंजन का रखरखाव किया जा रहा है। यही नहीं, इंजनों में जीपीएस सिस्टम के तहत इन इंजनों की निगरानी की जा रही है। इन इंजनों को मालगाड़ी से जोड़ा गया है, जिनकी स्पीड बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। देश के अंदर ही हमारी तकनीक और हमारा निर्माण, हमारा किसी भी उपकरण का होता है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे रोजगार से भरपूर हमारे जो नौजवान हैं उनको लाभ मिलेगा और देश जो है उन्नति के रास्ते पर चलेगा। आज हम देख पा रहे हैं कि शाहजहांपुर जो है जनपद में रोजा लोको डीजल सेट का जो हमारा पीपीपी बोर्ड में मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जो पूरे देश को लाभ देगा और देश की रेल व्यवस्था की गति को और उसको सुचारू रूप से अत्याधुनिक तकनीक से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुझे जो पता चला है कि पिछली बार जैसे हुआ करता था, ट्रेन चला करती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन सी घटना होने है, लेकिन आज हम सैटेलाइट से और नई तकनीक के द्वारा हम रेल की गति को और रेल में होने वाली जो भी कोई भी क्षति होती है या कहीं कुछ नुकसान होता है उसको भी हम पहले ही हमारा पायलट देख पाएगा और उसको हर तरह से हम सेफ कर पाएंगे, यात्रा को भी और रेल को भी। इसलिए हमारे देश भर में शाहजहांपुर का ये लोको शेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के कार्य में काफी तेजी आई है। लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर के बराबर की जमीन गलियों के अंदर खरीदी जा चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा तक का दृश्य एकदम साफ दिखने लगा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह ने बताया कि यह परिसर वाराणसी में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, मेडिकल फैसिलिटी, विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई और मां गंगा के स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पाथवे उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्माण शुरू होने से एक वर्ष के अंदर यहां का पूरा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। वो उपलब्ध कराई जाएगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और यहाँ पर जगह जगह पर बैठने का रेस्ट एरिया बनाया जाएगा, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, दुकानें बनाई जाएंगी और यहाँ पर एक मुमुक्षु केंद्र बनाएंगे। जो मुमुक्षु आवास यहाँ आना चाहते हैं काशी मरण मुक्ति के लिए, उनको भी हम यहाँ स्थान उपलब्ध कराएंगे और एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा लगभग 500 कैपेसिटी का, सीटिंग कैपेसिटी का, और वैदिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ये सब कुछ यहाँ से वहाँ तक विकसित होना है। कानपुर स्थित रक्षा मंत्रालय के स्मॉल आर्म फैक्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए कानपुर देहात और कानपुर के दो शहीद श्याम बाबू और प्रदीप यादव के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एक व्यापारी महिला ने भी शहीद जवानों के परिवार को 1.25 लाख रुपए की नकद सहायता भी दी। इस अवसर पर गन फैक्ट्री के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जो शहीद हुए हैं वो तो देश के लिए प्राण निछावर कर दिए हैं, उनके लिए हम अपना जो दायित्व है उसके से थोड़ा सा कुछ भी हम परिवार के लिए कर सकते हैं तो यही हम सोच के हमारा जो सामाजिक दायित्व को इससे हम कुछ सहायता दिए हैं। ये सहायता नहीं है लेकिन हमारे उन परिवार के साथ एक साथ खड़े होने का, एक भरोसा दिलाने का वही हमारा प्रयास है और इसमें लघु शस्त्र निर्माण के पूरे परिवार, उनके फैमिली सब इसमें शामिल है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। डायलिसिस केंद्र में रोजाना 18 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नगर में बेली अस्पताल एवं एसआरएन के बाद कॉलविन तीसरा सरकारी अस्पताल है जहां ये सहूलियत लोगों को मिलेगी। गुर्दा रोग पीड़ितों को अमूमन हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। ये खासा खर्चीला होने के साथ ही मरीजों को इसके लिए काफी इंतजार भी करना होता है। अभी बेली अस्पताल में 10 बिस्तर एवं एसआरएन में 4 बिस्तरों वाले डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ ने बताया कि नर्सिंग होम में एक मरीज को करीब 20-25 हजार रुपए महीना खर्च करना पड़ता है। यहां आने वाले मरीजों के रुपयों की बचत होगी। अब ऐसे में कॉलविन अस्पताल में 6 बिस्तर युक्त इस यूनिट के आरंभ होने से मरीजों को काफी मदद मिल सकेगी। रोजाना 3 शिफ्ट में 18 मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। अस्पताल जो बड़ा प्रसिद्ध और पुराना अस्पताल है प्रयागराज का,
वहाँ पर 6 बेड का डायलिसिस यूनिट हम लोग ने स्टार्ट किया है, उसके लोकार्पण के लिए मैं आया हूँ और मुझे खुशी है कि अब निशुल्क 3 जगह प्रयागराज के अंदर अब निशुल्क डायलिसिस की यूनिट स्थापित कर दिया है हम लोग ने। और यहाँ पे जो लोगों को हर महीने 25,000-30,000 का जो खर्चा पड़ता था वो आज वो निशुल्क होगा। जनपद बलरामपुर में आयुष्मान भारत योजना अब तक 118 से अधिक गरीबों को इलाज में राहत देकर प्रधानमंत्री के विजन स्वस्थ भारत, सशक्त भारत एवं सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में पिछड़े जनपद बलरामपुर में 5,00,000 गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज सुविधा देने के लक्ष्य के साथ 3 सरकारी और 8 प्राइवेट सहित 11 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधा मरीजों को मिल रही है। जिले में लगभग 8,728 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं और निरंतर प्रक्रिया चल रही है। दुर्घटना में चोटिल मुस्कान के परिजन पैसे के अभाव में बेटी का इलाज ठीक से नहीं करा सके, लेकिन आयुष्मान भारत योजना से उनका इलाज जारी है और वो इसे गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा मानते हैं। यहाँ मैंने ऑपरेशन कराया और हमें कोई पैसा नहीं पड़ा है और ढंग से हमारा ऑपरेशन हो गया। यह गरीबों के लिए बहुत बढ़िया योजना है आयुष्मान कार्ड, जिससे गरीब अपना अच्छा इलाज करा सके। और हम बहुत गरीब आदमी हैं सर, लड़की हमारे चोट लग गया था पैर में और सर हमारे पास पैसे नहीं था उतना दवा कराने के लिए। यहाँ मैं लाया हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ सर, और डॉक्टर साहब ने बोला है मतलब दवा आपका फ्री सब हो जाएगा। तो मोदी जी ने जो कार्ड दिया था उसी कार्ड से हमारी दवाई फ्री हो रही है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना 2 पार्ट में शुरू की गई थी, जिसमें 1 पार्ट में लोगों का 5,00,000 तक का बीमा किया गया है। दूसरे पार्ट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसके माध्यम से अब हर आदमी के स्वास्थ्य का हिसाब किताब सरकार खुद रखेगी। देशभर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के रूप में विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट जिले में भी 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 60 उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की कवायद विभाग कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे जिले में 4 प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं जो चल रहे हैं और 16 अभी बन रहे हैं। इसके साथ ही 60 उप स्वास्थ्य केंद्र बनने हैं, जिसमें 30 पर काम चल रहा है और 30 पर काम जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए CHO की नियुक्ति हो चुकी है। जो नॉन कम्युनिकेबल वाले डिजीज हैं 30 साल से ऊपर वाले, जैसे कि इसमें हाइपरटेंशन के मरीजों को ढूंढा जाएगा, शुगर के मरीजों को ढूंढा जाएगा, 3 तरह के मैंने कैंसर बताए इनको ढूंढा जाएगा। इसके अतिरिक्त इन सेंटरों पर प्रसव सुविधा भी उपलब्ध होगी, गर्भवती की जांचें भी होंगी और साथ ही साथ बच्चों का टीकाकरण भी होगा। तो जितना मैक्सिमम संभव हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी ये जांचें होंगी और प्लस जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20 हो जाएंगे उन पर सब पे होंगी। आयुष्मान योजना के जिला नोडल अधिकारी RS कटिया ने बताया कि वेलनेस सेंटर के आसपास के लगभग 5,000-6,000 की आबादी के 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की BP, डायबिटीज, कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों की निशुल्क जांच होगी और उनका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। आसपास की 5,000-6,000 की आबादी जो हमारे केंद्र के आसपास में है, उसको हमारी PSC तक जाना पड़ता था 7-8 किलोमीटर तक, उनको घर पे ही सुविधा देने के लिए ये व्यवस्था सरकार ने की है। जो प्राथमिक उपचार है हमारी EDL एक बनी हुई इसेंशियल ड्रग लिस्ट कहलाती है, उसमें 164 प्रकार की दवाएं हैं, वो सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध मिलेंगी और हमारा जो CHO है वो उनका इलाज करेगा। मुरादाबाद में इस बार कांवर यात्रा में अनोखा ही रंग देखने को मिल रहा है। ये रंग है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का। दरअसल इस बार 90% से अधिक शिव भक्त कांवरियों ने अपनी कांवर को तिरंगे झंडे से सजाया और सवारा है। इतना ही नहीं, कांवर यात्रा के दौरान बजने वाले भक्ति गीतों में भी अधिकतर देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं। शिव भक्त कांवरिये भी देशभक्ति गीतों पर जमकर नाचते हुए भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। देशभक्ति का रंग तो हमेशा से रहा ही है, लेकिन रहेगा ही। इस बार जो है पुलवामा अटैक के बाद जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से देशभक्ति का कुछ जज्बा ज्यादा ही है। कांवर का कारण है, मैं अपने फौजी भाइयों के लिए लेके आया हूँ। इसलिए हमने तिरंगा लगाया है ताकि
पब्लिक जो है उनका सम्मान कर सके। 44 जवान होगा। भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर रंगपुरा गांव के एक विद्यालय में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जादू के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के सहायक निदेशक आरिफ रिजवी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए कराए जाते हैं जिससे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सके। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आज फाफा में जो इलाहाबाद का ये क्षेत्र है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत अंदर है शहर के, और हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे कार्यक्रम उन स्थानों पर किए जाएं कि जहाँ पर लोग जो हैं वो शहरों से दूर रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को जानकारी कम होती है, और जानकारी कम होती है यही वजह है कि वो सरकारी योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। हैदराबाद में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 48 ओवर और 2 गेंदों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शिखर धवन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने पारी को संभाला। कोहली को जंपा ने 44 रन पर पवेलियन भेज दिया। रोहित 36 रन बनाकर कोल्टन नाइल का शिकार हो गए। राजू को भी जंपा ने 13 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद धोनी और जाधव ने पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ते चले गए। इस बीच जाधव और धोनी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों आखिर तक डटे रहे और टीम को जीत दिला दी। धोनी 51 और जाधव 81 रन बनाकर नाबाद रहे। और अब आइए चलते हैं कुंभ के महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। नगरी प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में एक विशेष सांस्कृतिक शाम का आयोजन पाकिस्तान से रिहा किए गए अभिनंदन के नाम रहा। देश के वीर जवानों के लिए देशभक्ति से प्रेरित गानों को प्रस्तुत किया गया। ये कार्यक्रम कुंभ नगरी के सेक्टर 7 संस्कार भारती के मंच पर किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देशभक्ति के नगमे पर लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। पूरा पंडाल देशभक्ति से प्रेरित दिखा और देश के वीर जवानों को सभी ने सैल्यूट किया। प्रयागराज कुंभ मेले में बेशराम खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी का समापन हो गया। पिछले 48 दिनों में यहां पर लगाई गई प्रदर्शनी में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी ने बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश की और सारे देशों की आई हुई हैं, और जो इन्होंने सोलर चरखे से खादी का उत्पादन शुरू किया है और उससे जो खादी बनी है वो खादी फाइन खादी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि प्रयागराज कुंभ में हस्तलिपि चित्रकारी में नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। पेंट माय सिटी अभियान के तहत रिकॉर्ड संख्या में हाथ की छाप से जय गंगे का चित्र बनाया गया। हस्तलिपि चित्रकारी में स्कूली छात्र छात्राएं, सुरक्षा बलों, संत महात्माओं, सफाई कर्मियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, वृद्धजनों समेत भारी जनसमूह ने हिस्सा लिया। 7,000 से अधिक हस्तलिपियों से निर्मित चित्र ने गिनीज बुक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। गिनीज विश्व रिकॉर्ड बुक के निर्णायक मंडल की टीम ने उपस्थित रहकर मॉनिटरिंग की। सियोल में 4,675 लोगों के रिकॉर्ड को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की हस्तलिपि चित्रकारी ने पीछे छोड़ा है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी के दौरे पर होंगे। यहां वो कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये परियोजनाएं विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्र से होंगी संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में चल रहे स्मार्ट हैकाथॉन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से की बातचीत। उन्होंने छात्रों के साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित समाधान पर किया विचार विमर्श। प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को किए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रबी विपणन वर्ष 2019 के लिए गेहूं खरीद का मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल किया निर्धारित। साथ ही बनाए जाएंगे 6,000 क्रय केंद्र।
और बहराइच से संत कबीर नगर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया शिलान्यास। इस लाइन पर कुल खर्च आएगा लगभग 5,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।